गाइस, एएसपी मैजिक में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्विक एंड टेस्टी स्वीट कलाकंद रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट बन जाएगा। क्विक एंड टेस्टी कलाकंद रेसिपी को मैंने जन्माष्टमी स्पेशल में इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि फास्टिंग, स्पेशली मुझे जब फास्टिंग हो और उसमें काम करना पड़े, इट्स वेरी 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 टफ। सो ये इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि व्रत में आपको परेशानी ना हो और बहुत ही आसान से ये आपके सामने हो और ये बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है। मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिए। मार्केट का कोई भी अच्छे क्वालिटी का आप पनीर ले सकते हैं। अच्छी तरह से क्रश कर ले या इसे मिक्सी में एक बार चला ले तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपके पास मार्केट के पनीर नहीं है तो आप घर में छेना फाड़ ले। मैंने 200 ग्राम पनीर में 125 ग्राम कंडेंस मिल्क ले ली। आप कंडेंस मिल्क की जगह आप मिल्क मेड भी ले सकते हैं। स्वीट को बाइंडिंग देने के लिए मैंने यहाँ 1.5 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ 1/2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर सेमी स्किम नहीं होनी चाहिए, होल मिल्क पाउडर होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर ले, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, एकदम मावे वाले टेस्ट आएंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो, काजू का पाउडर बना के आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, वो भी टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब हम लो फ्लेम पर एक पैन चढ़ाएंगे। इसमें ना घी डालना है ना बटर, जस्ट डायरेक्ट सारा मिक्सचर इसमें हम डालेंगे और उसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। हमें इस मिक्सचर को लगातार चलाते रहना है। तब तक चलाते रहना है जब तक ये थिक होने ना लगे। थिक होने के बाद जब ये अपना पैन छोड़ना लगे, जब ये पैन छोड़ने लगेगा तब ये हो जाएगा रेडी, तब हम इसे बाहर निकालेंगे। जल्दी एंड बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसे लगातार हिलाते रहे। देखिए अभी ये थिक हो गया है। धीरे धीरे ये पैन छोड़ने लगेगा। ये ऑलमोस्ट पैन छोड़ रहा है देखिए, और यही इंडिकेशन है जब ये पैन छोड़ने लगे तो दिस इज़ द इंडिकेशन कि ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसे ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो ये चूई हो जाएगा। तो हम इसे बाहर निकालेंगे। गैस ऑफ कीजिए, अपने कलाकंद को ट्रांसफ़र करेंगे ट्रे में।
पहले से ही बटर पेपर उस पर लगा के रखा है, कोई ऑयल नहीं, कोई बटर क्रीसिंग नहीं ज़रूरत है बिल्कुल भी, बटर पेपर सफिशिएंट है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो या पार्चमेंट पेपर नहीं हो तो आप किसी भी प्लेट में या किसी भी बर्तन में जहाँ निकाल रहे हो वहाँ ग्रीस कर लीजिए ऑयल से, और उसके बाद अपने कलाकंद पेस्ट को ट्रांसफ़र कीजिए। स्पैचुला की मदद से या किसी भी स्पून की मदद से आप इसे शेप दे दीजिए या अच्छे से सेट कर दीजिए। उसके बाद जस्ट ये तैयार है। किसी भी तरीके से आप इसे गार्निश कर सकते हैं, कोई भी चीज़ से आप गार्निश कर सकते हैं, किसी भी शेप में डाल सकते हैं, किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिस्ता और रेजिन्स ले रही हूँ, यानी किशमिश और पिस्ता मैं ले रही हूँ वो गार्निशिंग के लिए। जिस 5 मिनट हम सेट होने देते हैं, 5 मिनट सेट होने के बाद हम इस तरह से बटर पेपर के साथ कलाकंद को बाहर करेंगे। मैं इसे सिंपल स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, आप इसे अपने मन चाहे अनुसार किसी भी शेप में दे सकते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट कट रही है, एकदम सॉफ्ट एंड यकीन मानिए ये टेस्टी भी उतनी ही है। ये बहुत इजी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल बाजार जैसा है, मार्केट ही जैसा है, और बहुत ही जल्दी बनती है। तो इतनी टेस्टी एंड सॉफ्ट मिठाई को एक बार बनाना तो बनता है। ज़रूर से आप ये मिठाई बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी और इजी है, स्पेशली जन्माष्टमी जब आप फास्ट रखते हैं, होल डे फास्टिंग होती है और प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये बहुत ही जल्दी बहुत ही झटपट बन जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए।